इगा सर का डंडा मेरी बो पतेड़ेगे और बो पतेड़ी गया जी सारे आज साफ होने चाहिए ठीक छो बहू तो आज हमारी भाभी कर दिया सुबह सुबह सफाई सफाई तो क्या नीचे लिखाया साफ है ये दिखाने के लिए पकड़े झाड़ू गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का देवभूमि के खूबसूरत से सुंदर से पहाड़ों से। और सब लोग काम काज पे चले गए और मैं और दादी जा रहे हैं, अभी दादी का इंतजार कर रहे हैं, दादी अभी आएगी। और ये बोड़ी के भट बिका हुआ है, बोड़ी इसमें बोल दस बिकाओ चीज बोल दे किला बिकाने अपन बाट तुम क्या तेरा था हम ता ये दाल ना चोग ना आटो ना सबो ना सब्जी सस्ते निकलना चावा भट देवला हम तुम ता है। हाँ बनो जो भट दिया भाई सुबह सुबह घाम सेक रही आज, ये घाम ही सेकती है रात दिन, यहीं पे घाम सेकते है मिलेगी कब जान रहे मिलता महादेव मुख एक दिन तो सीखे ली वक भी कैसे घाम तब और क्या हम आ रखे हैं भट्टों के लिए तो आजकल ना बिजी हैं सभी लोग। और कल दादी ने राजमा की सब्जी बना दी थी, ना 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 कल लौकी बनाई मैंने। अच्छा लौकी सुबह में, हाँ सुबह में लौकी बनाई कल तो लौकी बनाई भाई। तो ये सोयाबीन लेके जाने हमने आज, मैंने और दादी ने। और ये इतना बड़ा गांव है हमारे, ये दूसरी साइड का एरिया है और कुछ कुछ दूसरी साइड से दिखता है और ये इस साइड से दिखता है, पूरा नहीं दिखता हमारा गांव। बड़ा ही सुंदर गांव है हमारा, बस इधर ही कमची है, इधर ही कमची, ये तो बहुत कम है। तो हम इसको लेके चलते हैं, बहुत ज्यादा हो गए हैं, बहुत हल्के हो रहे हैं, सूख के कम ही है इस खेत में। दादी ने यहाँ भट्टों के साथ लगा दी थी राजमा भी, तो वो टीप रहे दादी। और अब हम चलते हैं घर पे। और यहाँ पे दादा भी पानी चार रहे हैं सुबह सुबह, क्या बढ़िया से हो रखा है दादा। और का प्याज लहसुन राई दादी ने इधर फूल लगा रखे, तो कितने बढ़िया लग रहे हैं। यहाँ हमारे लिए ककड़ी भी आ गई, ककड़ी खाएंगे आज हम दिन में। ये सब लड़के काम काज, ये काम काज में बिजी रहते हैं। और नमक मैंने बनाया था लास्ट टाइम, ये पीली ककड़ी खानी पड़ रही है बेचारे बेचारों को। ये ककड़ी दी उधर से दादी ने, और आज ककड़ी खाने में बड़ा मजा आ रहा है। अब वो एक और ककड़ी मांगने चले गया, ये शर्माता है और आजकल छुट्टी आ रखा है चप्पू सरमान से। दादी की सारी ककड़ी थार दी, पर दादी ने कवर कर दिया। हमें पहले ना लाल दी, अब थोड़ा हरी दे रखी है इस बार अब लोंडे हरी ककड़ी भी नहीं छोड़ रहे लड़के लोग, हरी सॉरी लाल ये नमक दोबारा बनाया अभी, हम भी एक पीस खाते हैं इसमें से। अभी क्या है कि दो ककड़ी खा दी हमने और अब लग गया चटकारा, और अब जा रहे हैं हम तीसरी ककड़ी के लिए। हाय हाय मजे आ गई, और यहाँ से लानी है जो जब ये हमारे ही खेत है। हम समझे कि किसने गायब कर दी दादी की ककड़ी से, तो बढ़िया ये हरियाणा ल कैच, ये देखो नंगा बैंग करके पिछने हुए जिन बोल गए ककड़ी खा जाओ मजे आ गए मजे। और इसके बाद हम जाते हैं घास के लिए, ये जाएंगे तुम उसका जान रहे हो, ये बात कोटेंगे। और यहाँ चाची भी आ गई अच्छा जा ककड़ी खा जा ककड़ी। हाँ क्या मूल फुका रंध्या ना ना रंध्या फिर रंध्या रंध्या
ना ना तब है एक दिन देखो हमने दो ककड़ी खा दी दादी की दी, और दादी ने फिर से बुला दिया। अभी दादी बोल रही लो ककड़ी ले लो, कोई बात नहीं, बच्चे हैं खा लेंगे। पर यहाँ देखो कितनी बड़ी बड़ी ककड़ी है, और फिर से चले गए मांगने के लिए। और हमारे पास यहाँ दो स्टॉक ऑलरेडी पहले से ही है। दादी के पास सारी लाली ककड़ी है क्या? हाँ ये कुछ खास नहीं, मत मार पहले दीदी तो खा पे। पीली ककड़ी बची अब सारी, अभी यही थी लास्ट, इसका भी उद्घाटन हो गया। ये जय रहे आजकल ना, सुबह और शाम को तो बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, पर दोपहर में ही हो रही है गर्मी। मजा आ गया आज ये ककड़ी खा के, इसको भी चबकाओ भाई। यहाँ झगड़े हो रहे हैं इनके, तीन ककड़ी खाने के बाद भी। और आज जा रहे हैं हम आज अपने पड़ोसी गांव बैड़ा गांव में, फटाफट चलते हैं, थोड़ा लेट से हो गए। और हम पहले भी आ चुके हैं और यहाँ पे आपको दिखा चुके हैं बैड़ा गांव, ये सामने नीचे काफ़ी बड़ा गांव है हमारे गांव से बड़ा, तो ये बैड़ा गांव, और ये ऊपर हमारा गांव उस साइड में। वैसे भी लोग होते नहीं आजकल घर में, सब चले जाते हैं काम काज में, कोई मिलेगा ही नहीं। अरे बस बस, नमस्ते बुबू, और सब ठीक ठाक है? ना भी निकट है तो आजकल गांव में मिलेंगे तो बुजुर्ग ही लोग मिलेंगे। हाँ यार फिर से दादा मिल गए यार, दादा का दादा हमें कल भी मिले थे, आज भी मिले। नमस्कार दादा। नमस्कार। नमस्ते बो। हाँ प्रणाम प्रणाम प्रणाम, बस एकदम बढ़िया। दादा तुमसे मिलना खड़े हमें मेरे बाल है, हाँ मौसी भाई, हाँ तुमसे ज्यादा मैं अच्छी तुम्हारे एक से मैं बोलू छू है ले आती तब दगड़ दगड़ में यार मैं बिल्कुल ना है ना भाई मैं बता। अरे बोल ली जा। हाँ हाँ तो दादा को बोल रहे हम हल लगाने हो यार, साथ में मेरी बस की नहीं है। हाँ दादा मना कर रहे भाई। अरे वाह, दादा ने मना ही कर दिया भाई, कहाँ लगे बस। अच्छा ठीक ठीक, ओ लास्ट टाइम जब यहाँ पे आए थे तो दादी भी घर पे थी, आज दादी भी घर पे नहीं है। यहाँ ऐसे ही आजकल जरा सब लोग बिजी है भाई, बहुत काम काज होता है पहाड़ों में भी, ऐसा नहीं है कि लोग फ्री होते हैं। नमस्ते दादी, और सब ठीक ठाक बढ़िया तबीयत पानी? नमस्कार जी। हाँ है, अरे बहुत बहुत धन्यवाद, एक हम तो सब्सक्राइबर भी मिल गए भाई। अच्छा और सब ठीक ठाक बढ़िया ना? पूरी लगी चेक भाई काम काज करने, फिर आज हवा नहीं चल रही थोड़ी, पू पंखा चल रही हूँ भाई एक। और मैं जब भी यहाँ इस गांव में आता था यहाँ पे कोई नहीं दिखाई देता, तो यहाँ पे अगर जाना है तो अगली बार तो सुबह 9 बजे आना पड़ेगा, तभी जाके दिखाई देंगे। और वही है शांति वगैरह ही आजकल गांव में, एकदम सुनसान सा। और कहा पर नर्सिंग गांव में ना एक मकान है वहाँ पे, क्या चमक रहा है वहाँ पे मर्चों से, ये देखो वहाँ पे एक छत लाल लाल से हो रखी है, पता नहीं किसके इतने ज़्यादा मर्चे वगैरह हो रखी है नर्सिंग गांव में। अब हम भी चलते घर की तरफ, भगत से निकल जाते हैं, वैसे भी यहाँ पर लेट वगैरह हो जाती है। और आज क्या मस्त मौसम हो रहा है, पर आज चंद्र ग्रहण भी है, तो क्या चांद दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा चमक रहा है यहाँ पे, उजाला वैसे भी हो ही रखा है चंद्रमा की वजह से। तो वैसे जब भी आता लेट हो ही जाते हैं, तो अब फटाफट चलते हैं घर की तरफ, वैसे भी लेट हो गए।